से लेट चल रही मेट्रो अब पटना के प्लेटफॉर्म पर और लेट पहुंचेगी। कोरोना संक्रमण ने इस पर और ब्रेक लगा दिए हैं। इन हालात में राजेंद्र नगर से न्यू ISBT के बीच प्रस्तावित प्रायोरिटी कॉरिडोर में 2020 तक मेट्रो संचालन का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। महीनों अलाइनमेंट को अंतिम रूप दिए जाने में फंसे रहे तो इस प्रोजेक्ट को अब लॉकडाउन ने थाम लिया है। आपको बता दें कि इसे 2024 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के करीब 32 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इसमें पहला कॉरिडोर सगुना मोड़ से शुरू होकर डाक बंगला, पटना जंक्शन, मीठापुर, खेमनी चक होते हुए न्यू ISBT जाएगा। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से गांधी मैदान, PMCH, भूतनाथ, 0 माइल होते हुए न्यू ISBT जाएगा। करीब 7 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर तय किया गया है। सबसे पहले 3 साल में इसी हिस्से में मेट्रो शुरू करने का दावा किया गया था। बीते दिनों राज्य सरकार ने मेट्रो का अलाइनमेंट फाइनल किया तो उम्मीद बंधी कि अब जल्द ही इस प्रोजेक्ट का काम गति पकड़ेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने 6 महीने में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने का निर्देश दिया था। अब लॉकडाउन के कारण सारा काम ठप पड़ा है। मार्च का महीना बीत चुका है और जो हालात हैं उसमें अभी यह और कितना लंबा खींचेगा कहा नहीं जा सकता।